बैक माई यूट्यूब चैनल रवि किंग स्टार अजमेर। तो गाइस कैसे हो आप? तो गाइस आज हम बताएंगे आपको, ये मेरे पीछे डीजे है, खलनायक डीजे। तो गाइस इसका रेवेन्यू बताएंगे और इसके अंदर बताएंगे कितने बेस की गाड़ी है और कौन सा जनरेटर है, जो भी होगा वो बताएंगे। तो गाइस इसकी डिटेल, फुल डिटेल देने वाले हैं। तो गाइस बने रहा ब्लॉग का अंदर और ब्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाला है। चलो गाइस करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू स्टार्ट, तो बने रहा वीडियो के अंदर एंड तक। गाइस ये इस गाड़ी का नाम है खलनायक डीजे फारके अजमेर का। तो गाइस इस गाड़ी का रिव्यू बताते हैं आपको। पहले ये जो बैनर है ना गाइस, ये बैनर है आसिंथ से बना है ये बैनर, और इस बैनरों की कुछ लुकिंग अलग है गाइस। और इसके अंदर जो एडिट करना है उसके सिंगर की फ़ोटो भी देख सकते हो आप, राम सिंह की, और देख सकते हो गाइस इसकी लुकिंग बताते हैं और बने रहा ब्लॉक का अंदर एंड। तो गाइस इसका पीछे से रिव्यू बताते हैं। तो गाइस ये गाड़ी है कम से कम 12 बेस की गाड़ी है। तो गाइस इसकी पीछे की पेंटिंग भी है ना कुछ अलग है। इसके अंदर जो ये त्रिशूल है ना गाइस, ये न्यू अपडेट आया अभी, और इसकी पेंटिंग देख सकते हो, ये किंग ऑफ है, ये भी न्यू अपडेट आया इंडिया वाला। और इस गाड़ी का कुछ लुक ही अलग है गाइस। ये अजमेर में हट के गाड़ी है और इसका रिव्यू आगे से और दिखाते हैं आपको। बने रहो ब्लॉग के अंदर, बने रहे हो आप एंड तक और देख सकते हो गाइस। तो गाइस इसके जो खासियत है ना इस गाड़ी की हम आज बताएंगे आपको। जो इसके आगे की पेंटिंग देख सकते हो गाइस, हिंदू राज, ये भी न्यू अपडेट आया है, MK स्टूडियो खलनायक राजा। तो गाइस वास्तव में ये खलनायक राजा ही है। और इसका जो जनरेटर है ना गाइस, ये जनरेटर सब डीजे वाले सिंगल जनरेटर रखते हैं और इसके ऊपर रख रखा है डबल सिलेंडर जनरेटर है गाइस। तो देख सकते हो आप, ये मतलब डीजे को है ना फुल पावर देता है गाइस, फुल पावर देता है डबल सिलेंडर जनरेटर, कभी नहीं दबता है। और इसकी आवाज़ भी बहुत खड़ी हो, दूसरे ब्लॉक के अंदर लेकर आएंगे तो आपको यही पे बताते हैं ब्लॉक का, यहाँ इसका रिव्यू बता देते हैं। तो गाइस ये वास्तव में ये गाड़ी है ना यही पे बनी है और इसी वर्कशॉप में बनी है ये गाड़ी। तो देख सकते हो गाइस। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो गाइस मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू धमाके के साथ, तब तक के लिए जय गाइस, जय भारत।